हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आज दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे इंजीनियर्स इंडिया के शेयर प्राइस पर। दोस्तों उसके पहले ब्रीफली कुछ फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले वन वीक में इसने माइनस ग्रोथ दिखाई है और 0.57% से ये स्टॉक पिछले वन वीक के अंदर में करीब करीब नीचे गिरा है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल मार्केट में देखें तो ये लाइन डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। तो इसको दोस्तों समझने के लिए तो टेक्निकल पार्ट में हम फर्दर एनालिसिस करके संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये स्टॉक्स दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट प्राइस जो है वो नीचे है, तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स देखें तो ये बेहतर रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड के बारे में देखें तो डिविडेंड स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स। तो इन सब चर्चा के बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा फर्दर देखते हैं कि पी रेशियो क्या है। दोस्तों इसका प्रेजेंट पी रेशियो है जो वो है 10.95 और पीबी रेशियो है 1.93। डिविडेंड यील्ड 7% का है दोस्तों। और सेक्टर का पी की बात करें तो 37.43 है। तो इसका मतलब इसका पी जो है फेवरेबली दिखाई दे रहा है फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। और सेक्टर की पीबी की बात करें तो 3.8 है वर्सेस पीबी रेशियो ऑफ इंजीनियर्स इंडिया 1.93 दोस्तों। सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है 1.04% है और इसका 7% है। तो ये सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं ये इंजीनियर्स इंडिया के फेवर में जाते हैं। अब हम एक बार नजर डालेंगे दोस्तों कि इस पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखें एलएनटी का 20 है पी रेशियो, जीएमआर इंफ्रा तो माइनस में है और केई सेंट्रल 16.24 है। तो दोस्तों ओवरऑल स्ट्रक्चर फंडामेंटली तो अच्छा नजर आ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों प्राइस चार्ट पर और प्राइस चार्ट पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक में क्या संभावनाएं बनने आ रही हैं, टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब टेक्निकल एनालिसिस इसके प्राइस चार्ट पर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे ताकि प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून कर सकें। ये मंथली टाइम फ्रेम में आप इंजीनियर्स इंडिया के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि पहले भी प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया था और उसके पहले यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्वियस लाइन से मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद इसमें लोअर लो बनाने की प्रक्रिया में एक हॉल्ट आता है और कई महीनों के कंसोलिडेशन के बाद ये कंसोलिडेशन बैंड के बाहर आता है दोस्तों। ये आता है दिसंबर 2020 में और एक मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम भी हम देख सकते हैं। तो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद इसमें अब डाउन ट्रेंड की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं तो मैं प्राइस को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि एक क्लैरिटी आ सके। यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस एक मासिव गिरावट के साथ में ये करीब 180 से गिरते गिरते फाइनली ये स्टॉक ने एक रिसेंट टाइम में जो लो बनाया था वो 48 का बनाया था। इसका मतलब अगर रिवर्सल ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, मींस अगर डाउन ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है तो एक बेहतरीन मौका हो सकता है। चलिए उसे जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन है और यहाँ पर क्या हम कोई प्राइस पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों मैं देखिए लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन, प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन किया और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे ड्रॉ किया और ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन है। इसको बेहतर तरीके से हम खींच पाएंगे जब ऐसे इसको इंडिकेट करेंगे दोस्तों। और ये देखिए ये बेहतर यहाँ से वर्टिकल फॉल हुआ है। तो ये देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ 9 नवंबर 2020 को जो वीकली कैंडल का फॉर्मेशन की शुरुआत हुई और एक मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम इसमें देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है कि एक कंफर्मेशन पैटर्न मिला है रिवर्सल चार्ट पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, जो इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड की यहाँ समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। तो अब चलते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में फर्दर स्टडीज करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं कि ये प्राइस में एक गिरावट के बाद में यहाँ पर सबसे पहले एक अक्यूमुलेशन बैंड है, जिसे मैं चार्ट के ऊपर में मार्क करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये देखिए, ये अक्यूमुलेशन बैंड क्लियर कट हम यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ प्राइस कंसोलिडेट हो रही थी, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड बैंड के रूप में इमर्ज होके आया है, जहाँ पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ने जब थ्रोबैक किया तो इस डिमांड बैंड को टेस्ट करके फिर इसका स्ट्रक्चर बन गया हायर हाइज एंड हायर लोस। इसमें सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन ये है दोस्तों कि मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका है, हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन ये प्राइस चार्ट कर रहा है, जो एक टिपिकल साइन है जब कोई भी स्टॉक मार्कअप फेज में होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इस जगह पे अगर हम एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड की बात करें, तो मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। आप देखिए, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और वेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 14 अक्टूबर 2020 को एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ। और अगर इन मल्टीपल बॉटम्स के अपेक्स को देखें दोस्तों, तो ये अपेक्स था प्राइस का, जहां मल्टीपल रिजेक्शन था, और इसका भी ब्रेकआउट होके जब थ्रोबैक हुआ तो यहां प्राइस ने टेस्ट लिया। ईएमए 21, ईएमए 55 के ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों यहां गोल्डन क्रॉस हम देख सकते हैं, जहां ईएमए 55 ने एसएमए 233 को क्रॉसओवर कर लिया है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि प्राइस एक वैल्यू एरिया के पास में है, यहां पर सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट, प्रायर रिजेक्शन, प्रायर रिजेक्शन। तो दोस्तों इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं दोस्तों, तो 25 जनवरी 2020 को मार्केट अभी चल रहा है। आप यहां पर वॉच देख सकते हैं कि किस समय भी एनालिसिस की जा रही है। तो आज की कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता हुआ नजर आया, और पिछले बॉटम को इसने करीब करीब टेस्ट किया है। तो हम यहां पर क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी नियर टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो ये है दोस्तों डिमांड एरिया, और यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक गैप का फॉर्मेशन है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए कि प्राइस को जैसे ही ईएमए 55 के ऊपर प्राइस जाती है, या हम कह सकते हैं कि 22 जनवरी 2021 की कैंडल की ओपनिंग है 75.6, तो प्राइस दोस्तों हम बाय स्टॉप ऑर्डर अभी भी डाल सकते हैं। अगर वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम अवॉइड कर पाएंगे। तो 75.8 पर हम एक बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं, और वो ट्रिगर हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, हमें इस गैप को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि दोस्तों ये गैप कभी भी धोखा दे सकता है। तो हम स्टॉप लॉस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर दृष्टि से 63 के आसपास रख सकते हैं, यहाँ पर जो गैप के भी नीचे है और ये कंसोलिडेशन बैंड के नीचे है। साथ में दोस्तों अगर हम स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं, तो आप देखिए उस केस में हमारी एंट्री तो सेम रहेगी जिसकी चर्चा अभी की, लेकिन स्टॉप लॉस के केस में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है, इससे 180 नीचे हम स्टॉप लॉस को रखकर प्ले कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अब दोस्तों इसकी संभावना कहां तक जाने की है, तो चलिए दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर एक बार टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न का जो टारगेट है वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव रहता है। देखिए मैंने ये हेड से लेकर नेकलाइन की दूरी नापी और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो आने वाले दिनों में दोस्तों 107 का टारगेट निकल के आ रहा है। और देखिए इस जगह पे काफी उसे रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो स्टॉक 73.6 पे
ट्रेड हो रहा है जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, 107 काफी बड़ा जंप है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। आप अपने साइड से भी इसे एनालिसिस कीजिए डिसीजन लेने के लिए। एक मैंने एनालिसिस करके फंडामेंटल्स और टेक्निकल को कंबाइन करके आपको आइडिया देने की कोशिश की है दोस्तों, जो इस चैनल की कोशिश रही है कि किस तरह से हम एजुकेशन की प्रक्रिया को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो दोस्तों इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को एनेबल कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।